Inspired School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com. केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया तेज करते हुए विधानसभा चुनाव की जमीन तैयार करने के लिए प्रदेश के 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों और 4 पूर्व उप मुख्यमंत्रियों समेत 8 दलों के 14 वरिष्ठ नेताओं को बातचीत का न्योता भेजकर दिल्ली बुलाया है। किसी भी दल को बैठक का एजेंडा नहीं बताया गया है। बैठक में शामिल होने से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के चेयरमैन सैयद अल्ताफ बुखारी अपनी पार्टी नेताओं से विचार विमर्श करेंगे। पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की भी एक बैठक होगी। साल दर साल गर्मियों के आते ही जम्मू संभाग में पीने के पानी के लिए हाहाकार मच जाता है और ऊपर से अघोषित बिजली कट जले पर नमक छिड़कने वाला काम करती है। कई क्षेत्रों में पानी की पाइपें पुरानी व सड़ गल गई हैं, उन्हें बदला नहीं जा रहा तो कहीं पाइपें बिछी हैं पर पानी नहीं। लोग बावली और तालाब का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं, जो महिलाओं को कई किलोमीटर पैदल चलकर लाना पड़ता है। आजादी के 70 साल हो गए, आज भी जनता पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, ये कैसा विकास है। वहीं अब इसको लेकर जिला विकास प्रशासन जागा है। बरसात में जल संरक्षण के लिए 850 जल निकायों की पहचान की गई है, जिसका पुनरुद्धार किया जाएगा। साथ ही कई और जल निकाय स्थापित किए जाएंगे। डीसी जम्मू अंशुल गर्ग ने कहा कि 750 खराब हैंडपंप ठीक कराए जाएंगे और पानी की कमी वाले क्षेत्रों में 350 नए हैंडपंप लगाए जाएंगे। बारिश के पानी को संरक्षित किया जाएगा ताकि भूमि जल स्तर में सुधार हो। जम्मू के बागेबाहु पार्क में सभी विकास कार्य 3 महीने में पूरे किए जाएंगे, ये निर्देश डिपकॉम डॉक्टर राघव लंगर ने अधिकारियों को जारी किए। उन्होंने पार्क में बंद फव्वारों को ठीक करने को कहा। जल शक्ति विभाग को फव्वारों के लिए पानी की आपूर्ति करने और जल स्रोतों के काम में तेजी लाने के लिए निर्देश दिए। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के जल्द आयोजन की सुगबुगाहट से पाकिस्तान तिलमिला गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि उनका देश कश्मीर के विभाजन और उसकी पॉपुलेशन में बदलाव के भारत के किसी भी कदम का विरोध करेगा। वहीं उन्होंने कहा कि वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष व यूएन महासचिव को भारत के संभावित कदम के बारे में बता चुके हैं। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जेके बोस ने 10वीं और 12वीं का रिजल्ट तैयार करने का फॉर्मूला सरकार के पास मंजूरी के लिए भेज दिया है। अगले सप्ताह सरकार फॉर्मूले को सार्वजनिक कर सकती है। समर जोन में 10वीं और 12वीं रेगुलर का रिजल्ट अनुपात के आधार पर बनाना लगभग तय है। जिन विषयों की परीक्षा दे चुके हैं उनके अंकों को अन्य विषयों के मूल्यांकन के आधार बनाकर रिजल्ट तैयार होगा। जम्मू में बस टर्मिनल कम न्यू बस स्टैंड के उद्घाटन के 5 महीने बाद भी ये शुरू नहीं हो पाया है। पुराने बस स्टैंड से ही बसों की आवाजाही हो रही है। नया बस स्टैंड बनने के बाद काउंटर्स शिफ्ट करने पर भी विवाद रहा। अभी तक काउंटर तक शिफ्ट नहीं हुए हैं। बस स्टैंड के शुरू ना होने पर यहां की आवाजाही बिल्कुल ना के बराबर हो गई है। यहां जेडीए की ओर से आवंटित की गई दुकानों का कारोबार ठप हो गया है। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन हर दिन सामने आने वाले आंकड़ों की संख्या कम होने लगी है। हालांकि जानकारों ने चेतावनी जारी की है कि देश में अक्टूबर तक कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे सकती है। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 58,419 नए मामले सामने आए। इस दौरान 1,576 मरीजों की मौत हो गई। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई। आज डीजल की कीमत में 30 पैसे की बढ़ोतरी की गई, तो वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल की कीमत में 26 से 29 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। लोगों में इसको लेकर गुस्सा बढ़ता जा रहा है, इससे महंगाई बढ़ने की पूरी संभावना है। हमारी जिंदगी में हर एक रिश्ता काफी अहमियत रखता है, लेकिन माता पिता की हमारी जीवन में सबसे अलग जगह होती है। जिस तरह माँ अपने बच्चों के लिए हर वो चीज करती है जो उसके उज्जवल भविष्य के लिए जरूरी होती है, तो ठीक उसी तरह एक पिता भी अपनी सभी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाता है। पिता के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए जून महीने के 3rd हफ्ते को
फादर्स डे मनाया जाता है, जो इस साल 20 जून यानी आज मनाया जा रहा है। इस दिन बच्चे अपने जीवन में पिता के महत्व, उसके आदर और उनके प्रति सम्मान प्रकट करते हैं। इस दिन लोग अपने पिता को कई शुभकामनाएं संदेश भी भेजकर उन्हें फादर्स डे की शुभकामनाएं देते हैं। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने जमकर अपना कहर बरपाया। इस पर काबू पाने के लिए दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश समेत सभी राज्यों ने अपने यहां कड़े प्रतिबंध लगाए। धीरे धीरे अब कोरोना के नए केस और उससे होने वाली मौतों के आंकड़ों में कमी आ रही है, जिसके बाद राज्यों ने लागू पाबंदियों में ढील देना शुरू कर दिया है। वहीं केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को पाबंदियों में ढील देने वक्त बेहद सतर्क रहने की चेतावनी दी है। साथ ही संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्यों को 3T+V फॉर्मूला अपनाने के निर्देश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के मौसम में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। प्रदेश के कई हिस्सों में शनिवार को हल्के बादल छाए रहे और कई जगह बारिश हुई। जम्मू में दिन भर तपिश के बाद शाम को तेज हवाएं चली। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 21-22 जून को जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना है। वहीं आज जम्मू में सुबह से ही बादल छाए और इस दौरान हल्की बारिश हुई, जिससे लोगों को तपिश से कुछ राहत मिली।